हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों. आप सभी का इंग्लिश में फिफ्थ लेसन जो कि पेज नंबर 39 पर है स्टार्ट हो चुका है, जिसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये पेज समझाया था. और हमारे लेसन का क्या नाम है? माई टीचर सीज राइट थ्रू मी. माई टीचर सीज राइट थ्रू मी. तो हमने इसे समझा था कि बॉय जो है वो क्या कर रहा है, सपने देख रहा है, ड्रीम देख रहा है. और इसे कैसा फील हो रहा है कि उसका टीचर जो है उसे वो कैसा बिहेव करेगा अगर उसने होमवर्क नहीं किया होगा. तो सेम कंडीशन आपकी भी ऐसी होती है ना, जब आप होमवर्क नहीं करते तो आपके टीचर आपको पकड़ लेते हैं जो जो आप झूठ बोलते हैं. तो सेम यही फीलिंग जो है इस लेसन में बताई गई है. तो अब हम इसे आगे लेसन में समझते हैं कि आगे क्या बताया गया है इसमें. देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं. चलिए पहले तो आप यहाँ पर पिक देख लीजिए. ये देखिए, ये आप खड़े हैं, ठीक है? आप क्लास में खड़े हैं और ये आपके टीचर हैं. और जब आप होमवर्क नहीं करके लाए तो आपके टीचर आपके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, आपको गुस्सा कर रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं. तो ये देखिए आपके फेस एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ना, ये सर के, और आपके अपने देखिए, और आप ये देखिए सर के फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं. तो यही बात जो है इस लेसन में बताई गई है. बहुत ही मज़ेदार लेसन है, आपको बहुत मज़ा आएगा. तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं. आई डिडंट डू माई होमवर्क. क्या है? आई डिडंट डू माई होमवर्क. मैंने अपना काम, कौन सा काम? होमवर्क, घर का काम, गृह कार्य नहीं किया था. आई डिडंट डू माई होमवर्क. मैंने अपना घर का काम, गृह कार्य जो है मुझे मिला था वो मैंने नहीं किया था. माई टीचर आस्क्ड मी. वाई माई टीचर आस्क्ड मी? आपके टीचर ने, आपके अध्यापक ने आया पूछा. उसने, वो बॉय कह रहा है कि मेरे अध्यापक ने मुझसे पूछा क्यों क्यों नहीं किया. वाई का मतलब क्यों. आपके अध्यापक ने आपसे पूछा कि आपने काम क्यों नहीं किया. आई आंसर्ड हिम इट्स मच टू हार्ड. मैंने अपने टीचर को आंसर दिया, उत्तर दिया, जवाब दिया, इट्स मच टू हार्ड. ये बहुत ही मुश्किल है, जो आपने काम दिया वो बहुत ही कठिन है, हार्ड है, मुश्किल है. ही सेड यू डिडंट ट्राई. ही सेड यू डिडंट ट्राई. टीचर ने कहा, ही सेड उसने कहा, और बच्चे के टीचर ने कहा यू डिडंट ट्राई, तुमने कोशिश की, तुमने कोशिश नहीं की. यू डिडंट ट्राई, तुमने कोशिश ही नहीं की. आई टोल्ड हिम आई हैड चोज टू डू. चोज क्या होता है? रोज के काम. मैंने अपने टीचर से कहा आई हैड चोज टू डू. मेरे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए. चोज मीन क्या होता है? दैनिक कार्य, रोज के काम. मेरे पास बहुत सारे काम थे, इतने सारे काम थे. ही सेड यू वॉच्ड टीवी. उन्होंने कहा तुमने टेलीविजन देखा, टीवी देखा. देखिए डॉट डॉट लगे हुए, यानी क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है. टीचर ने कहा यू वॉच्ड टीवी, क्या तुमने टीवी देखा. आई सेड आई सॉ द डॉक्टर. मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास गया था. देखो कितने सारे झूठ बोल रहे हैं वो. कभी कह रहे मेरे पास इतने सारे काम, कभी कह रहे मैं रनिंग करने गया, कभी कहते मेरे डॉग ने होमवर्क खा लिया, कभी फिर कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया था. अब ही सेड, टीचर ने कहा यू आर विद मी, तुम तो मेरे साथ थे. उन्होंने क्या कहा कि तुम तो मेरे साथ थे, तुम कैसे डॉक्टर के पास गए. फिर पकड़ा गया उसका झूठ, है ना. अब आगे देखते हैं. माई टीचर सीज राइट थ्रू माई फिप्स. क्या है? माई टीचर सीज राइट थ्रू माई फिप्स. अब ये जो इसमें क्या कहा है कि मेरा अध्यापक जो है मेरा झूठ पकड़ लेता है. माई टीचर सीज राइट थ्रू माई फिप्स. फिप्स क्या होता है? झूठ बोलना.
कि जो मेरा अध्यापक, वो बच्चा कह रहा है कि मेरे अध्यापक मेरे सारे झूठ पकड़ लेता है, विच मेक्स मी वेरी सैड, जिससे क्या होता है कि मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। ये मैं क्या करूँ, मैं जो जो सारे झूठ बोले वो पकड़ लिए। क्यों? इट्स हार्ड टू फूल द टीचर व्हेन द टीचर इज योर डैड, देखिए, विच मेक्स मी वेरी सैड। उसने कहा कि मेरे टीचर जो है, मेरा अध्यापक जो है, मेरे सारे झूठ को पकड़ लेता है, जो कि मुझे बहुत उदास कर देती है ये वाली बात। एंड इट्स हार्ड टू फूल द टीचर, अध्यापक को मूर्ख बनाना, फूल क्या होता है, मूर्ख बनाना बहुत ही मुश्किल है, हार्ड मीन मुश्किल है। व्हेन द टीचर इज योर डैड, और कब, जब आपका जो अध्यापक है वो आपके डैड हो, आपके पिताजी हो, आपके पापा हो। अरे ये तो इस पार्ट में क्या निकला, टीचर जो है वो उसके कौन है, फादर है, उसके डैड है। तो कैसे लगा ये लेसन आपको, हैरान हुए ना आप, ये कैसे टीचर को सारी बात कैसे पता लगती जा रही है, टीचर तो अपने उधर होता है, लेकिन टीचर तो उसके डैड थे, उसके फादर थे, और टीचर को सारी बात पता लग रही थी कि वो तो सारे झूठ बोल रहा है। तो वो परेशान हो जाता है कि अब क्या झूठ बोलूं, इसलिए वो चुप हो जाता है, उदास हो जाता है कि ये क्या, मेरे फादर को जो मेरे टीचर हैं उन तो सारी बात पता लग जाती है। तो बच्चों ये पाठ आपको कैसे लगा, एक बार फिर से इसे पढ़िए, समझिए, और बहुत मजा आएगा आपको फिर से इसको पढ़ने पर, और हंसी भी जरूर आएगी कि ये क्या निकला, फादर जो है वो ही टीचर है। तो अगली वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब तक इसे आप फिर से समझिए। थैंक यू।